नमस्कार मित्रों, मैं आपका शुभचिंतक मित्र दोस्त दिव्य प्रेम आपके अपने प्रोग्राम में शुभला वास्तु में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण पौधे के विषय में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। मैंने अनेक वीडियो बनाए हैं पेड़ पौधों पर, उनकी दिशा कहाँ है अपने घर में, किस दिशा में किस पेड़ पौधे का महत्वपूर्ण स्थान है, उससे क्या हमें लाभ मिलते हैं, इस सारे विषयों को मैंने बताया है। आज के वीडियो में इस विषय को लिया हूँ कि अशोका का जो पौधा है, अशोका प्लांट, शोक रहित जीवन के लिए अशोका का जो पौधा अति महत्वपूर्ण है। पौधे के जो नाम है, पौधे के जो हम अगर नाम को देखेंगे, अशोका, शोक यानी जीवन में उदासीनता, दुख, एक शक्तिहीन जीवन, ऊर्जाहीन जीवन, इससे उभरने के लिए, इससे बाहर आने के लिए अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में अशोक के पौधे लगाते हैं, अति लाभकारी है। आप कह सकते हैं ये तो वो काफी लंबे जाते हैं तो कैसे संभव है। मित्रों, इस पेड़ को लंबा होने के लिए, बढ़ने के लिए काफी समय लगता है। जब तक आपके घर में आप इसको सेवा कर सकते हैं, छोटे गमले में, बालकनी में लगा सकते हैं, आप जब तक इसकी सेवा कर सकते हैं, या 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, तब तक आप इसकी सेवा करें। अगर आपके पास जगह है, ईस्ट में जगह है, घर में आंगन है, तो आप सीधे सीधे इसको ज़मीन के अंदर लगा दीजिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, आंगन के कुछ ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करें, आप गमले में इसको लगाइए। छोटा पौधा ला लीजिए नर्सरी में से, गमले में से लगा दीजिए। हमको रिजल्ट लेना है, जीवन को शोक रहित करना है, इसलिए ईस्ट में अशोका प्लांट लगाने से अशोका का जो प्लांट है वो काफ़ी ऊंचा जाता है, काफ़ी लंबाई उसकी काफ़ी ऊंचाई है, हाइट वाला प्लांट है ये, तो आपके लाइफ में ग्रोथ का जो हाइट है, जो जो अल्टीमेट गोल है आपका रीच होना है जीवन में, आपको इस प्लांट से एक इंडिकेशन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है कि आप भी इस अशोका के वृक्ष के जैसा ऊंचे जाए जीवन में, बिजनेस में, जॉब के, प्रोफेशनल लाइफ में आप उस ऊंचाई को छुए जो आपके दिल में, मन में, मस्तिष्क में हमेशा रहता है। कृपा अशोका का जो वृक्ष है उसकी सेवा करें, समय पर जल दें, उससे बात करें, जो आपके फीलिंग से उसके साथ शेयर करें, और आपके जीवन में अति ऊंचाई को, आप उस शिखर को प्राप्त करें। यही शुभकामना से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।